गुड मॉर्निंग. आज है 28 अगस्त और अभी 9:30 हो रखे हैं. और अभी आज का प्लान ये है कि आज घर पे जाना है, क्योंकि कल की मेरी ट्रेन है दोपहर को जयपुर से, 1:30 की ऐसे कुछ है, 1 बजे की ऐसे कुछ. तो मैंने कपड़े वगैरह जो भी खरीदे थे और विशाल से भी खरीदे थे, क्या एक दो शर्ट खरीदी थी, एक टी शर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदा. बाकी कपड़े विशाल से लिए, जूते लिए उससे, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, सच बताऊँ तो बस कई दिनों से नहीं है मेरे पास. और मेरा ये है प्लान कि वो एक बैग तो मैंने अभी अजीस बैग भी अजीस से ही लिया है, जो कपड़े डालने वाला इस तरह से है. मैं कोशिश कर रहा हूँ, बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है, ले जानी ज़रूरी है, वो सारी कलेक्ट करके यहाँ से ले जाऊँ, भूल ना जाऊँ ये वो. बाकी ज़्यादातर कोशिश ये है कि भाई, एंड चप्पल भी मैंने मेरे को नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो जोए का काम, ये बहुत पहले जब लाया था तब काट देता है, तो ये नहीं खरीदनी पड़ेगी वहाँ के लिए. और मुंबई में कहाँ रहना, उसकी अभी तक कोई व्यवस्था अभी प्लान हुआ नहीं है. देखते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के घर पे रुकना पड़ेगा, होटल पे तो पैसे हैं नहीं मेरे पास इतने. इसके साथ थोड़ा व्लॉग भी लेट चल रहा हूँ ना, इस फ़ोन में तो जगह रहती नहीं है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी उनको एडिट करके, जल्दी एडिट करके उनको कंप्यूटर में डाल के उनको डाटा को यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ, प्राइवेट में अपलोड कर दूँ, बाद धीरे धीरे उनको ओपन करता रहूँगा. ये पिछले 12 दिन के जो डाटा वो मेरा कंप्यूटर में पड़ा है, उसको व्लॉग ना तो एडिट कर पाया हूँ कुछ भी, और मोबाइल में लेके जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें और भी व्लॉग वगैरह बनेंगे. इसमें जैसे एक दिन का भी वीडियो में अगर उसको कन्वर्ट करता हूँ तो वो उसको स्पेस चाहिए होता है काफ़ी अच्छा वाला. तो मेरे पास कोई दूसरी चीज़ है नहीं जिसके अंदर मैं वीडियो रखूँ, फिर उसके बाद उसको एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ. तो मैंने अभी भी पिछले 2-3 वीडियो ऐसे कैसे ना कैसे करके जल्दी जल्दी उसको एडिट करके उसको अपलोड लगाया, शेड्यूल पर लगा दिया एक तरह से. अब देखो थोड़ी क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा. पर फिलहाल के लिए तो ये कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, घर पे जाना है यार, इस टाइम पर मुझे घर पे रहना चाहिए था मेरे पापा के पास, क्योंकि सुबह तो जल्दी निकल जाऊंगा, टाइम देना उनको कैसे भी, कुछ से कुछ तो रास्ता निकलते हैं. तो साइकिल में सर्विस करवाई है, नया लगवाया है, पुराने वाला ये रहा यार, पुराने वाला बड़ा वाइड था. तो ये बैग पैक कर लिया, इसके अंदर मैंने जरूरी कपड़े जो जूते थे, ये गिटार लेके जाऊंगा, इसको बैग में डालना बस बाकी है. यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, हट जा भैया. तो वीडियो अपलोड लग रहा है, अभी मैंने जब से बात की है ना आपसे थोड़ी देर पहले, उसके बाद से 2-3-4 घंटे हुए कम से कम भी, नहीं तो 6 से 7 वीडियो बने, एडिट करके अपलोड लगा दिए, शेड्यूल पे लगा दिए हैं, अपने आप रोज अपलोड होते जाएंगे. और मैंने घर का ये सोचा कि घर पे जाके करूँगा अभी क्या, मतलब वही है पड़ा रहना, इससे अच्छा मैंने सारे जितने भी हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, सारी वीडियो एडिट करके मैं शेड्यूल पे लगा के यहाँ से फिर रात को जब तक हो सकता है फ्री हो जाऊँ. और मैं ही सोच रहा हूँ कि रात को अगर जाना चाहूँ तो घर पे चला जाऊँगा, रात को पूरा काम फिनिश कर लूँ एक बार अपलोडिंग वाला, फिर क्या वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी. तो यहाँ से क्या कि सामने लाइट है, तो लाइट अच्छी आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ. अभी का ये सीन है कि मैंने कम से कम भी 7 से 8 वीडियो शेड्यूल पे लगा दिया एडिट करके, आगे का देखा जाएगा. क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:40, मुझे घर पे भी जाना है, रात को मैं घर पे रहूंगा, सुबह मेरे बाइक को लेके बाइक पे साइकिल में वहीं छोड़ दूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा. यहाँ पर क्या कि मैं सोच रहा हूँ कि ये भी बैग वैग है ना, यहीं से उठा के मैं झुंझुनू का झुंझुनू से जयपुर निकल जाऊंगा. अब यहाँ से इसको उठाओ घर पे ले जाओ, ये भारी बहुत है, तो अच्छा आसान नहीं रहेगा. तो मैं सोच रहा हूँ सुबह आ जाऊँ 7 बजे के लगभग और 8 बजे 9 बजे निकल जाऊँ यहाँ से. तो साइकिल को तो मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, ये वहीं पर खड़ी कर दूंगा, सुबह बाइक के साथ आ जाऊँगा. अभी एक आइडिया और आया है कि सुबह क्यों ना मैं यहाँ से ट्रेन से चला जाऊँ, तो देखूंगा यहाँ से सुबह कितने बजे है ट्रेन, पूछूंगा किसी से, तो उसी में चला जाऊँगा, आसान रहेगा. स्टेशन उतर, और हाँ सुशीला भी तो मिलेगी, उससे भी बात करनी, मेरी बहन है ना, वो क्या राखी है परसों, तो वो कल वहीं पे मिलेगी, वो बोल रही थी स्टेशन पे मिल जाऊंगी, वहाँ पर राखी बांध दूंगी, तो उससे भी बात करनी है अभी. तो अभी का प्लान ये है कि सुबह 8:15 पर यहाँ झुंझुनू से जयपुर ट्रेन जाएगी, जहाँ से मेरी दूसरी मुंबई के लिए ट्रेन है, तो वो 11 बजे के लगभग पहुँचा देगी. सुशीला को भी वहीं बुला लूँगा, राखी वहीं पर बंधवा लूँगा. सुबह यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे 6 बजे के लगभग, और फिर वहाँ झुंझुनू एक वीडियो अपलोड करना, वो अपलोड लगा दूंगा, कुछ डाटा मेरे को मोबाइल में लेना है वो ले लूँगा. तो अभी तक के लिए इतना ही है, घर पे अभी पहुँचा हूँ, आधे 1 घंटा हुआ है, अभी खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद में सो जाऊँगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय.